हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। फटाफट से सभी लोग एक बार आ जाइए, ठीक है ना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फटाफट से एक बार कर दीजिए, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके मोटिवेशन कोड के साथ। आप नियमों का पालन करके चलना नहीं सीखते हैं, आप करके सीखते हैं और आप गिरकर सीखते हैं। मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको हमेशा ही एक प्रैक्टिकल लेना बड़ा जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो समस्या है, अगर प्रैक्टिकल है तो ही आप कुछ सीख पा रहे हैं, नहीं है तो प्रॉब्लम। मेरी बात आई समझ में? यहां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इरफान ने कुर्सी अंकित मूल्य पर 6% छूट के बाद इतने में खरीदी, अंकित मूल्य। यार सिंपल सी बात है, अगर मैं अंकित मूल्य पे छूट देकर खरीद रहा हूं तो मैं 94% भी खरीद ले रहा हूं ना। अगर मैंने अंकित मूल्य को संभाल लिया तो 517 हो गया, समझ रहे हो। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या करूं बताओ। ऐसा करो सर, आप 4 को किनारे रख दो, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, नहीं 2 को किनारे रख दो, ठीक है, और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। सर 2 को किनारे रखा मैंने तो 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 47 हो गया, 47 × 1 = 47 होगा, 47 × 1 = 47, यानी कुल मिला के 11 बार चला जाएगा, यानी कि 2% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 11 की आ जाएगी। 50% क्या होगा, 11 × 25 = 55 ना, कहानी होती है एंड ही। अगला कह रहा है कि 8 और 32 के बीच सभी पूर्ण विषम संख्याओं का योग। ये अच्छा सवाल है, आप जानते हो 8 और 32 के बीच, तो 8 के बाद जो सबसे पहली विषम संख्या होती है वो 9 होती है, 11 होता है, 13 होता है, ऐसे डॉट 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 करते जाएगा और 31 सबसे लास्ट वाला नंबर होगा। तो आपको तो मैंने ये निकालना समझाया ना, इन सभी का अगर सम करना है तो मैंने तो ये बताया आपको कि कैसे सम करना है ना, समझ रहे हो क्या, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ये नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए मैंने आपको समझाया है कि लास्ट वाला नंबर माइनस पहला वाला नंबर बटा कॉमन डिफरेंस और प्लस का सरगुण, यही होता है। 9 घटाओगे तो आएगा 22, 22 एक बार घटाओगे 11 आएगा, 11 और में 1 जोड़ोगे आएगा 12, यानी कि नंबर ऑफ टर्म मुझे कितना दिख रहा है, सर 12, कितना दिख रहा है 12। अब अगर मुझे ऐसे निकालना है, मतलब कि सभी संख्याओं का योग निकालना, तो n/2 मतलब 12/2 और a प्लस l करना पड़ेगा, यानी कि 40, यानी पहला और लास्ट वाला तो ये हो जाएगा 20, 12 × 2 = 24 यानी कि 240 के, ठीक है, ठीक है मित्र। कह रहा है कि 52 और 356 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। आई बस समझ में, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है, तो अब तो ये तो तुम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा पहला ऐसा नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिवाइड होगा, तो आप समझते हो सर 9 × 6 = 54 यानी कि 54 होगा, और इसके पहले कैसा कौन नंबर होगा जो 6 से डिवाइड होगा, तो एक काम करो ना, डिवाइड करके चेक कर लो। 6 × 5 = 30 होता है, 5 बचा है ना 56 हुआ, और 6 × 9 = 54 के यानी कि 354, समझ लो 6 × 5 = 30, 6 × 9 = 54, और आगे क्या पड़ेगा सर, 60 भी पड़ेगा, आगे 66 भी पड़ेगा, ऐसे डॉट 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 जाएगा आगे, है ना। जब नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो n की वैल्यू एक्चुअली हो क्या सकती है, मैंने बताया कि लास्ट वाला नंबर यानी कि 354 माइनस पहला वाला नंबर यानी कि 54 बटा कॉमन डिफरेंस 6 का दिख रहा है ना, 6 का दिख रहा है और प्लस कॉमन, ये तो फॉर्मूला है। 300 300 को काटोगे जब 3 × 5 = 15 यानी कि 50 और प्लस 1 और लगा दो तो 50 + 1 कितना हो जाएगा सर, 51, ठीक है, 50 + 1 कितना हो जाएगा सर, 51। आगे सवाल कह रहा है कि 17 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 17 से विभाजित होने वाली, तो भाई इसमें जरा देखो, 17 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये क्या पूछा इसने, क्या बोला है? अच्छा ये बोला है 17 से विभाजित होने वाली सभी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 3 अंकों की देखना है। तो भैया 17 17 × 6 = 102 होता है,
ये तीन अंकों की सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है और तीन अंकों की सबसे लास्ट वाली प्राकृतिक संख्या भाई साहब कितना है? 9, 9, 9, है ना। अब जरा ये देखो कि ये 17 से डिवाइड है क्या? तो 17 से अगर डिवाइड करोगे तो 17 17 25 85 होता है ना, बचेगा भाई सब 14 के, ठीक है। 17 9 153, 17 17 8 कितना होता है? 136। 17 8 136, समझ रहे हो? 136 1 136 1 136, समझते हो इस बात को? तो ऐसा करो ना कि इन दोनों को डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा सर? 3 आएगा। यहां कितना बचा है? एक ही तो बचेगा। तो ऐसा करो ना भैया, 13 घटा दो इसमें से। तो 13 जब घटाओगे तो आएगा 6 8 और 9। ये 17 से डिवाइड होने वाला लास्ट वाला नंबर होगा। पहले आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ टर्म, ऐसा ही सवाल आ जा रहा है। तो 986 - 102 / 17 करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस ये होगा प्लस का। यहां से एन निकल जाएगा तो आप एसएन भी निकाल सकते हो। एसएन क्या होगा सर? आप समझते हो सर? एन बाई टू ये प्लस है, तो ये तुम करो, ठीक है। अगला नेक्स्ट भाई सब, नेक्स्ट सवाल देखो अगला, ये कैसे सवाल है करेगा, ठीक है। सुनो जरा बात ध्यान से सुनो, कह रहा है कि जब एक निर्माता कह रहा है 50,000 की किसी खास वस्तु के थोक रेट पर 10% कमीशन देता है तो उसे 25% लाभ होता है। कह रहा है कि निर्माता उस वस्तु पर कितना लाभ कमाता है? यार देखना, 5,000 रुपए है, कह रहा 10% तो कमीशन ले गया और लाभ कितना कमा रहा है? 1/4 का, है ना। इससे कट जाएगा, इसने सिर्फ लाभ ही पूछा है। दस परसेंट कमीशन देता है, 25% का लाभ उठाता है, ठीक है। बस मत, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा ना, 25 चौका 100 25 पंजे 125, 9 9 5 45 के 5 हो जाएगा, कैरी हो गया मेरे भाई 4 के, 9 2 18 4 22 के 2 हो जाएगा, कैरी हो गया 2 के, 9 1 9 9 2 11। तो अगर प्रॉफिट पूछ रहा है तो इतना होगा, इतना प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु है जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलता है, यदि 304 किमी की यात्रा 30 मिनट में विराम के साथ पूरा करती है तो यात्रा पूरा होने में कितना समय लगेगा? आसान है, इसको जरा करो। कह रहा है कि 304 किलोमीटर की यात्रा करनी है 32 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, 30 मिनट के विराम के साथ पूरा करती है। अच्छा चलो ठीक है, 30 मिनट के विराम के साथ ही करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो भी आएगा, और प्लस 30 मिनट और लगा देना उसमें, या 30 मिनट को नहीं आधा घंटा लगा देना, आधा घंटा, वो तुम्हारे सवाल का आंसर होगा। ये वाला सवाल कैसे करेंगे? और ये वाला सवाल ऐसे कि 650 है 62%, 340 का 45%, ठीक है, ये बस समझ में। सर एक काम करो, पहले 2 का गुणा कर दो, 65 दुना होता 130, तो 13 बच गया और परसेंटेज 00 को खा गया, यहाँ हो गया 31 के प्लस। अब जरा यहाँ, यहाँ हो जाएगा 1700 के, तो 17 बच गया, अरे गड़बड़ हो गया, नहीं 5 ला रहे हो ना, तो 17 ही बचेगा ना, 17 और गुणा 9 हो गया। यूनिट डिजिट के हिसाब से अगर आंसर में देता तो यहाँ 3 हो जाएगा,
सर 9 चौका 36 यहाँ पे 6 हो जाएगा, सॉरी 9 7 63 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 6 के। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मुझे गुणा करना पड़ेगा, 13 1 13 3 13 3 39 39 और 1 40 प्लस 17 9 173 3 3 हो जाएगा 6 के 5 हो जाएगा। ये आपके सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, एक इसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा कि जबकि ए और सी साथ मिलकर उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, कह रहा बी अकेला कितने दिन में, तो ए भाई साहब 4 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 3 दिन में कर सकते हैं, ए तथा सी मिलकर उसी काम को सर 2 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 12 के, 4 3 12, 3 4 12, 6 2 12, समझना। ए की वैल्यू 6 है तो आप समझते हो, सॉरी ए की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3 के, दोनों मिलकर 6 है। अब सी ऑलरेडी 3 है तो ए हो जाएगा 1 के, बोलोगे सर ये भी ठीक है। अब एक क्षमता के हिसाब से 12 काम को कितने दिन में करेगा, 12 घंटे में, 12 दिन में करेगा, है ना, हाँ या ना। नेक्स्ट अगला, ये सवाल ऐसा कह रहा है कि 5 7 12 15 और x का औसत क्या है, 20 है, 10 है। कहता इसका जो औसत है वो 14 है, कह रहा y का मान बताओ। तो कितनी संख्या है भाई साहब, 5 संख्याएं, तो 5 2 50 बनाएगा, 12 12 2 24 24 और 10 कितना होता है, 34 34 5 कितना होता है, 39 के। सर जैसे 39 लिए आपको समझ में आ गया कि x की वैल्यू तो 11 है, समझ में आई बात। आओ जरा अगले, 1 2 3 4 5 6 14 छक्का हो जाएगा 84 के, है ना, और 11 यहाँ पे रख लेना। देखो भैया 12 और 8 होता है 20, पहले ऐसे करो 11 और 9 हो जाएगा 20 के, ठीक है, और 13 और 17 हो जाएगा 30 के, तो 30 20 50, 50 और 12 कितना होता है, 52, ये होता है ना, और 14 चक्का 84 होता है, 86 नहीं होता, तो 22 मेरे सवाल का राइट आंसर होगा, और क्या 22 होगा कि 32 होगा, 14 चक्का 84, अच्छा ये 6 आएगा, सॉरी 22 होगा, ठीक है। एक दुकानदार कह रहा है 4500 रुपए अंकित मूल्य वाले एक बैग पर 23% छूट देता है, अगर फिर भी वह 600 रुपए का लाभ कमाता है तो बैग का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। 4500 रुपए की चीज है, 23% छूट देता है, ठीक है, 23% छूट देने के बाद भी वो 600 का लाभ कमाता है, ठीक है भैया, 23% की छूट पहले निकाल लो, ऐसा करो 23 को ऐसा मत करो, 23 को आप कर दो 77, ये 00 कट गया, 77 से आप गुणा कर दो और 600 माइनस कर देना, ठीक है, तो 7 5 35 के 5 हो गया, और 7 4 28, 28 और 3 कितना होता है भाई, 31, गुणा 11 के 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, यहाँ हो गया 3 के, अब इसमें से 600 घटा दो, यहाँ हो गया 5 के, यहाँ हो गया 6 के, यहाँ हो गया 28 के, 28 65, ठीक है क्या। कहता घन का भाई संपूर्ण पृष्ठ ये है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6a² तो 6 से काटोगे 12 6 72 121, तो a की वैल्यू हो जाएगी √21 के, a की वैल्यू हो जाएगी 11। आपसे पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा, तो क्यूब कर देना, यानी कि 1331 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा ही है। 748 में से कितना कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि कुल 59 से डिवाइड हो जाए, अभी मुझे समझ में आ जाए कितना जोड़ना है, पहले आप करो 748 59 से डिवाइड करो, एक बार जाएगा 59, ये हो जाएगा 15 के, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं गुणा कर रहा हूं, 3 बार ले जा रहा हूं, ठीक है, 3 बार ले जा रहा हूं, तो 3 9 27 के साथ 2 बार ले जाऊंगा तो नहीं जाएगा, 3 9 27 के साथ 2 हो गया, 3 5 6 15 और 2 17 177, अब 177 में से 158 घटा लो, बस यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा, तो ये बात समझते हो, यहाँ आ जाएगा 9 की 19 ही है मेरे सवाल में, एक ही खत्म कहानी। कह रहा अगर 88,000 रुपया मूलधन है, 6 वर्षों में इतना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बतानी है आपको,
पहले एक काम करो, इन दोनों को माइनस करो। इन दोनों को जैसे ही मैंने माइनस किया तो भैया आएगा 920, है ना, 88,000 है ये और 1,00,000 इतना है ये, ठीक है ना। आई बस मुझे 920 तो हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पे है 11 में से भाई सब जाएगा कितना, 8, तो 8×3 = 11 के, हाँ है ना। यहाँ बच गया मेरे भाई कितना, 15 के, तो 8×7 = 15 के। अब ये 6 साल का है तो इसमें भाग दे दो, 1 साल का निकाल लो, तो 1 साल का निकालोगे तो आएगा 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 1 = 6 × 18, 6 × 2 = 12। ये 1 साल का है, आई बस समझ में। अगर ये 1 साल का है, अगर ये 1 साल का है तो कह रहा है बताओ ये कितना परसेंट है इस चीज का, तो 3 × 0 = 3 तो कट ही जाएंगे। अब 8 से काटो एक बार, 8×1 = 8 हो गया, 4 × 8 = 32 है, कहानी तो गड़बड़ है। यहाँ 9 है ना, यहाँ 9 है, ठीक है, यहाँ भाई सब 9 है, मैं 9 को भूल गया, अरे 9 नहीं है, 3 तो है, 6×3 = 18, 6×2 = 12, ठीक तो है। करो पहले देखो, 8×1 = 8, 4×12 = 43 हो गया, 8×5 = 40 होगा ना, 8×5 = 40, बचा 3 के, 8×2 = 32, यहाँ हो गया 11, 11 से काटोगे तो 11×11 = 11×4 = 44, 14%। नेक्स्ट कह रहा है ए तथा बी के मासिक वेतनों का अनुपात कितना, 5 और 6 के हैं। कहता 2000 की दोनों को वृद्धि मिली है, तो ये तो सवाल बड़ा आसान है, आप समझते हो, इसको तो मैंने करवाया है, डिफरेंस ही नहीं है, ऐसा करो यहां 2 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 10 और 12, इसका गुणा करोगे 11 और 13, डिफरेंस क्या हो गया सर, 1 का, 1 बराबर कितने होगा 2000 के, क्या पूछ रहा है, 1 का नया वेतन, तो 10 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 1 बराबर 2000 के, 2 10 बराबर 20000 के, हाँ या ना। नेक्स्ट, एक बैलगाड़ी ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, औसत चाल बतानी है, तो यार 10 किलोमीटर की दूरी अगर वो 4 घंटे में तय कर रही है तो भाई सब, ये तो हर बच्चा बता सकता है कि 2.5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है। कह रहा है कि इनमें से कितनी संख्या 32 से विभाज्य है, भाई 32 से डिविजिबिलिटी का रूल आप समझते हो कि पहले तो एक बार देखो कि 8 से कितने डिवाइड हो रहे हैं, यही देख लो, तो 8 से तो ये सारे के सारे 3 डिजिट डिवाइड करने पड़ेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये वाला तो 8 × 64, 8×2 = 16, ये भी कट रहा है सर, ऐसा करो काट के देखते जाओ पहले ना, 8 से काटोगे तो 8×2 = 16, 8×4 = 32, बचा यहाँ पे कितना है 8×4 = 32, ये भी कट जाएगा सर, ये तो कट जाएगा, ये तो डेफिनेटली कट जाएगा, 8 से काटोगे तो 8×1 = 8 आएगा, 2 बचा, 8×2 = 16, 8×4 = 48, 4 से कट जाएगा सर, ये सर 4 से ये नहीं कटेगा, ठीक है डन। ये वाला देखो 8×8 = 8, 8×4 = 32, सर ये 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये वाला सर 8×8 = 64 और 8×2 = 16, सर ये 4 से कट जाएगा, सर नहीं कटेगा, ये वाला देखो 8×8 = 4, 8×5 = 40, 8×8 = 64 के, सर 4 से कट जाएगा, कट जाएगा डेफिनेटली, ये वाला सर, ये वाला नहीं कटेगा, तो 3 आपके सवाल का राइट आंसर है, 3 ही ऐसे ऑप्शन है जो आपके 8 मतलब 32 से कट रहे हैं। कह रहा मंदी के दौरान एक घर की कीमत 10% कम हो जाती है, कह रहा 1 साल बाद 15% वृद्धि हो जाती है, कह रहा कुल कितना बदलाव हुआ, तो समझो भाई ध्यान से कि अगर 10 की चीज है तो वो 9 हो गई है, और अगर 20 की चीज है तो अगले साल 23 हो गई है। एक काम तो ये भी है कि आप 200 से 9×3 = 27 के साथ कर लो, और 9×2 = 18 और 2×20 के कर लो, यानी कि 7 + 200 पे, तो 3.5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, एक दुकानदार एक दर्जन छाते 1200 रुपए में खरीदता है, 2 छाते धुलाई के दौरान टूट जाते हैं, अब दुकानदार प्रति छाता 150 रुपए में बेचता है, तो बताओ उसका लाभ। यार सिंपल सी बात है, अगर 12 छाता है तो 1 छाता पड़ा है 100 रुपए का, और अगर वो 1 छाता बेच रहा है
150 रुपए का, ठीक है? तो समझना भाई, 8 छाते हैं, 8 छाते हैं, 8 छाते, और ये 12 छाते थे, 8 छाते बचे हैं। तो 15 बटे 120, मेरे हिसाब से तो कोई लाभ हानि नहीं हो रहा है ना, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना आप सभी लोग। राहुल एक काम को 25 घंटे में पूरा करता है, यदि राजेश राहुल 25% अधिक कार्य कुशल है, ये भाई 100% ले लो उसको। अच्छा सवाल है ये, नेक्स्ट कह रहा है 21 से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है जो 21 से डिवाइड है। यार देखो ये 7 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड है, तो सबसे बड़ी संख्या पहले ये छाटो कौन सी है, 5 अंकों वाली। देखो ये 4 अंक है, ये 4 अंक है, ये 4 अंक है, तो 5 अंक तो यही निकला सबसे पहली चीज। अगर गलत भी होगा तो भी आप मान के चलना कि ऑप्शन में खराबी है, ठीक है? अब आज ओवरऑल आपका इतना ही रहेगा, ठीक है? सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।